हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंजॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं गुड़ वाली बेसन की बर्फी। अगर आप भी हेल्दी बेसन की बर्फी खाना चाहते हैं, वह भी एकदम फटाफट वाली रेसिपी, तो तैयार हो जाइए रेसिपी देखने के लिए। तो गुड़ वाली बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। इसे मैंने कढ़ाई में निकाल दिया है और इसमें अब मैं डालूंगी 1/2 कप घी। यह मेल्टेड घी है, घी को पहले मेल्ट कर लेना है फिर डालना है। ओके, तो यह मेल्ट किया हुआ घी हम इस बेसन वाली कढ़ाई में ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे। यह देखिए, यह घी और बेसन मिक्स हो गए हैं कढ़ाई में ही। अब मैं इसे गैस पे चढ़ाऊंगी। गैस पर हमें इसे 10 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे ही सेकते रहना है। धीरे धीरे सेकते रहने से बेसन का टेस्ट अच्छा आएगा और अभी धीरे धीरे इसका टेक्सचर भी चेंज होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी। अभी बेसन ढीला नहीं हुआ है, जब बेसन अच्छे से सिक जाएगा ना तो ये बेसन घी छोड़ देता है, एकदम लूज हो जाता है। तो अभी इसे और सेकने की जरूरत है अच्छे से। ये देखिए, अभी 6 से 7 मिनट हो गए। ध्यान रहे फ्लेम एकदम लो ही रखनी है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और आपकी बेसन की बर्फी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। अभी 5 मिनट और लो फ्लेम पे सेकेंगे ना तो अच्छे से घी छोड़ देगा। यह देखिए, हमारा बेसन तैयार हो गया है भूनकर। देखिए कितना लूज हो गया है, एकदम अच्छे से घी छोड़ दिया है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा बेसन तैयार हो गया है बर्फी बनने के लिए। अब इस स्टेज पर मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1/2 से थोड़ा ज़्यादा गुड़ डालूंगी। गुड़ मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ये देखिए। गैस बंद है और गैस बंद में ही हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और बेसन भी गर्म है, इसलिए गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं लगातार चलाती रहूंगी। ये देखिए कितना फास्ट मेल्ट होता है, क्योंकि मैंने गुड़ क्रश करके रखा है ना, इससे जल्दी मेल्ट हो जाएगा। यह मैंने थोड़ी सी इलायची पीस के रखी है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कूट के रखे हैं। आप चाहे तो इन्हें भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। यह मैंने ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर इसी स्टेज पर इसमें डाल दिया है, यह ऑप्शनल है। अब हम इसे फटाफट मिक्स करेंगे। ये देखिए, गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हमारा बेसन जमने के लिए तैयार है, मतलब हमारी बेसन की चक्की जमने के लिए तैयार है। इसको हम चम्मच से अच्छे से दबा देंगे। यह मैंने बेसन को अच्छे से दबा दिया है इसमें। अब हम इस पर थोड़े से पिस्ता गार्निश करने के लिए डालेंगे और इसको भी चम्मच से दबा देंगे ताकि ये अंदर चले जाए। फ्रेंड्स, यह बर्फी बहुत जल्दी जमती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है और स्वादिष्ट भी बनती है। इसे सिर्फ 2 मिनट ठंडा करना है और जल्दी ही चाकू से हमें निशान करना होगा, बर्फी का शेप देना होगा। ये देखिए, हमारी बर्फी जम रही है। सिर्फ 5 मिनट और ठंडा करेंगे और हम इसे बाहर निकालेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने बर्फी बाहर निकाल ली है। कितनी टेस्टी और हेल्दी बर्फी बनी है हमारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। एंजॉय कुकिंग।